दोस्तों, आपके भी जो है पशुओं का दूध जो अब लगातार जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, दूध का उत्पादन नहीं बन पा रहा है, क्या आपकी गायें भी जो है पहले जितना दूध देते थे उससे अब जो है दूध कम देने लगी है, और बहुत सारी समस्याएं जो है डेयरी फार्म में जो आपको आ रही है, तो उन सभी का हल जो है आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको वीडियो को जो है पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवन गुजराज, फिर स्वागत करते हैं एक और नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध जो है हम अपने पशुओं का कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अधिकतर जो है दूध जो है घट जाता है और उत्पादन दूध का जो है कम होने लगता है अपने डेयरी फार्म से। अपने पशु भी जो है दूध का उत्पादन जो है कम करने लगते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है उनमें जो है दूध जो है ऐसा अच्छा दूध नहीं बन पाता, इसी कारण जो है उनमें कुछ खुराक या फिर हम कह सकते हैं खान पान में कुछ कमी हो जाती है, उसी कारण जो उनका दूध जो है कम हो जाता है गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले। तो कैसे हम जो है गर्मियों में भी अपने भैंसों या जानवरों को गायों का दूध जो है कैसे बरकरार रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है दूध दे सकते हैं, ताकि हमें गर्मियों में जो है काफ़ी अच्छे रेट जो दूध के मिलते हैं, तो इससे हम जो है काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने पशुओं को दाना तो दे ही रहे होंगे, उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी जो है गर्मियों में ऐड करनी होती है, जिस कारण जो है अपने पशुओं के अंदर जो है डाइट में जो मेंटेन हो रहता है, जो कैटल फीड या आप बोल सकते हैं कि जो डाइट प्लान में जो मेंटेन रखने के लिए हमें जो है उसके साथ सूखा और हरा चारा दोनों चारों को जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, मेंटेन करके खिलाना पड़ता है, तभी जो है हम उससे जो है दूध का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो बरसी घास दिख रही होगी, अब इसका उत्पादन जो है गर्मी की वजह से जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि गर्मी में जो है बरसी घास जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती और धीरे धीरे ये जो है सूख जाएगी। तो इसके अलावा हम कौन से चारे जो और लगा सकते हैं, जिससे जो है हम प्रोटीन का हमारे जो है दाना जो हम देते हैं कैटल फीड, उसके अलावा भी जो है हम कैसे अपने पशुओं में जो है प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं हरे चारे को देखकर। तो कौन से चारे हम जो है हरे चारा लगा सकते हैं अपने पशुओं के लिए, उसी के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, वो लगा हुआ है सुपर हाइब्रिड नेपियर घास। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, जिसकी मदद से जो है हम अपने पशुओं का दूध जो है मेंटेन करते हैं, और इसी को लगाकर जो है आप भी अपने पशुओं का दूध जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं। तो इसके अलावा आप और भी चीज़ें जो है जैसे बाजरा हो सकता है, वैसी चीज़ें भी जो आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं, जिससे आपके पशुओं का जो है डाइट प्लान जो है मेंटेन रहे, उनका दूध जो है आपका कम ना हो, और पशुओं को दिन में कम से कम एक बार तो अपने पशुओं को नहलाएं, जिससे क्या है कि उनका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, जिससे जो है उनको इतने ज़्यादा गर्मी का एहसास जो नहीं होगा। अगर आपके पंखे वगैरह नहीं है डेयरी फार्म में, तो पंखे वगैरह की व्यवस्था कर लें, ताकि जो है उनका दूध का उत्पादन कम नहीं होगा। अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो पशु जो है अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करेगा, इस वजह से जो है वो दूध भी कम देगा। सिंपल और साधारण बात है, तो आपको कुछ इन बातों का जो है ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर सीखने को मिली है तो वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में खड़े बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।